स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सुप्रीम 60s यूट्यूब चैनल. दिस इज मी वेदिका एंड आई विल टेक योर इंग्लिश क्लासेस. सो गाइस, वेरी फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अकेडमिक्स मींस 11th एंड 12th के इंग्लिश पढ़ाऊंगी एंड एज वेल एज आई विल ऑल्सो टेक द क्लासेस ऑफ NDA एंड एयरफोर्स. सो फॉर टुडे आई विल गो विद द चैप्टर ऑफ Flamingo book. I think you all can recognize this book correctly, right? So the first chapter of this book is the last lesson, and the author of this chapter is, you can see, author Alphonse Daudet. Before starting the chapter, before summarization of the chapter, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी. वो ये है कि you all know English is a language. And there is no need to learn the language, especially English. अगर आप सिर्फ स्टोरी की समरी समझ लेते हो, means you have to enhance your capacity to understand the summary. So guys, ये understanding आपको help करती है आपके सारे subjects के लिए. Means ये एक तरीके से आपके brain की exercise होगी. जैसे हम लोग exam देने जाते हैं तो exam देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, हम लोग बुक को खोल करके बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है कि स्टोरी में क्या दिया है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं, वो कैप्स क्या हैं. हम लोग सिर्फ अपनी कॉपी खोलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? सो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम प्लीज़ रीड द स्टोरी बुक. अगर आप स्टोरी रीड करेंगे तो आपके अंदर एक समरी बन जाएगी कि हाँ, इस स्टोरी के इस पॉइंट के बाद ये हुआ था, इस पॉइंट के बाद ये हुआ था. क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने से क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपने लर्न किया, सेकंड क्वेश्चन लर्न किया, बट उसमें आपको नहीं पता कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, है ना? तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने नोट्स बनाना बहुत कंपल्सरी है. ओके, मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगी, जैसे आज मैं पढ़ाऊंगी द लास्ट लेसन, तो मैं स्टोरी की समरी, थीम, की पॉइंट्स, वोकैब्स, आई विल टेल यू एवरीथिंग, बट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. मैं चैप्टर के बीच में या चैप्टर के लास्ट में जो भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगी और उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को मर्ज करके यू कैन मेक योर लॉन्ग आंसर. मैंने कहा ना, यू हैव टू इन्हांस योर कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. क्यों? क्योंकि अगर आप ये कैपेसिटी जनरेट कर लेते हैं तो यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, वेदर इट इज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, कैसे भी क्वेश्चन हो, यू आर एबल टू गिव द आंसर. एंड अनदर थिंग इज दैट क्वेश्चंस आपके लिटरेचर पोर्शन से सिर्फ मतलब जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वही नहीं आते हैं. हर चैप्टर से मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाएं, आपको मीन्स एक टैगलाइन दी हो, उससे रिलेटेड कोई फ्रेज दिया हो, कुछ भी पूछा जा सकता है. तो इफ़ यू रीड द होल स्टोरी, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप वो सारे आंसर्स भी उन क्वेश्चंस के भी आंसर आप दे पाओगे. क्वेश्चन आंसर सिर्फ पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. और हाँ, स्टोरी पढ़ करके आप, मैंने जैसा कहा, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे लोगे और अपने CBSE बोर्ड, मतलब कि जो आपका बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम होता है, आप उसमें अच्छा स्कोर भी कर पाओगे इफ़ यू फॉलो माय स्ट्रेटजी. ओके, सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये कि हमारे चैप्टर के ऑथर के बारे में क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, मे बी समटाइम्स उससे रिलेटेड कुछ भी आ जाता है. लाइक कोई टैगलाइन दे दी, टैगलाइन में आपको पूछ लिया गया इस चैप्टर के ऑथर कौन थे डायरेक्टली, या उससे रिलेटेड थीम से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा. तो अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो यू कैन गिव एनी क्वेश्चन. ओके, सो कम टू द चैप्टर. यू कैन सी आवर चैप्टर नेम इज द लास्ट लेसन एंड द ऑथर इज Alphonse Daudet. एक्चुअली ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं आपके जो लास्ट लेसन स्टोरी है इसके, कुछ मतलब जिससे आपकी थीम क्रिएट हो पाएगी. तो दिस चैप्टर इज रिटन बाई Alphonse Daudet. ही इज फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड राइटर. ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और लेखक है, लिखने वाले. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट
कि ये जो आपका लास्ट लेसन चैप्टर है, तो ये उस टाइम की बात है जब फ्रांस एंड पर्शिया के बीच में वॉर हुआ था, फ्रैंको पर्शियन वॉर. और ये कब हुई थी? बिटवीन 1870 to 1871. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. फ्रांस डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय द बिस्मार्क. मीन्स फ्रांस को हराया था पर्शिया ने, और पर्शिया को लीड किसने किया था? बिस्मार्क ने. मीन्स बिस्मार्क की लीडरशिप में पर्शिया जीता था. क्लियर? ओके. दिस इज पर्शिया. मीन्स पर्शिया के अंडर में मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो क्या थे? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. मतलब ये कुछ नेशंस हैं जिनसे मिल करके पर्शिया बना था. नेक्स्ट थिंग इज दैट फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स. मतलब ये जो आप दो नाम देख रहे हैं स्टोरी में, बहुत बार ये नाम आपके सामने आएगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. एल्सेस एंड लॉरेन. तो ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हैं फ्रेंच के, मतलब फ्रांस के ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि आफ्टर द वॉर मतलब जब पर्शिया वॉर जीत गया था, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके हैंड ओवर आ गए थे? पास्ड इंटू पर्शियन हैंड्स. मतलब पर्शिया के हैंड ओवर हो गए थे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स. तो अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि आफ्टर वॉर स्कूल लाइफ में कुछ चेंजमेंट्स हुए थे, वॉर के बाद ऐसा क्या हुआ, द लास्ट लेसन चैप्टर का मतलब क्या है. ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो गाइज, इफ यू हैव अ बुक, सो आप देख सकते हो मैं एक एक लाइन आपको पढ़कर उसका ट्रांसलेट उसको करूँगी. और इफ़ यू डोंट हैव अ बुक, सो डोंट वरी, यू जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आप अगर मुझे ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा भी केयरफुल होकर के, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा. ओके, फाइन. देखिए, सबसे पहले तो अबाउट द ऑथर दिया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैं एक बार रीड भी कर देती हूँ उसको. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. जैसे मैंने आपसे कहा, the last lesson is set in the days of Franco-Persian War in which France was defeated by Persia. मतलब ये कब की स्टोरी है? जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में वॉर हुआ था, फ्रांस हार गया था पर्शिया के थ्रू, और किसकी लीडरशिप में? बिस्मार्क की. Persian then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. तो ये जो पर्शिया है, तीन नेशन से मिलकर बना है. कौन कौन से? जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इन टू पर्शियन हैंड. तो इस स्टोरी में ये पता चला है कि कुछ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस एंड लॉरेन, जो कि पर्शिया के हैंड ओवर हो गए हैं. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट वॉट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. कि इस स्टोरी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस पूरी इंसिडेंट का स्कूल लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है. ओके, ठीक है, चलिए. I started for school very late that morning. मैंने उस सुबह स्कूल बहुत लेट से जाना शुरू किया. And was in great dread of a scolding. और dread मतलब होता है fear. और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था डांट खाने से. Especially because M. Hamel. M. Hamel is a teacher of a author. तो especially M. Hamel से had said that he would question us on participles. क्यों वो डरा हुआ था? क्योंकि M. Hamel ने बोला था कि वो participles, एक्चुअली पार्टिसिपल्स इज अ चैप्टर ऑफ अ ग्रामर. तो ग्रामर का एक चैप्टर है पार्टिसिपल, उसके बारे में M. Hamel क्वेश्चन करने वाले थे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और पार्टिसिपल के बारे में ऑथर को कुछ भी नहीं पता था, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. एक पल के लिए तो मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और स्कूल के बाहर ही समय बिता दूँ अपना. It was so warm, so bright. बाहर बहुत गर्म था और बहुत ज़्यादा रौनक थी. The birds were chirping at the edge of the woods. जो birds थे वो चहचहा रहे थे पेड़ों पर बैठ करके. And in the open field back of the sawmill, the Persian soldier were drilling. और स्कूल के बैक साइड पे एक सॉ मिल था, मतलब लकड़ी काटने का एक प्लेस था, जहाँ से पर्शियन सोल्जर्स वापस आ रहे थे ड्रिलिंग करके. ठीक है,
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. टेम्पटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव. तो ऑथर ये कह रहा है कि मुझे ये सब देखना स्कूल जाने से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन मेरे पास ये स्ट्रेंथ थी, ये पार थी मेरे अंदर कि मैंने खुद को रोका और मैं स्कूल की तरफ आगे बढ़ा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो जैसे ही मैंने टाउन हॉल को क्रॉस किया, वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था. बुलेटिन बोर्ड एक्चुअली क्या है, एक बोर्ड था जहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह लिखी जाती थी, तो कुछ वहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers. तो last 2 years से जितनी भी bad news थी वो सब वहाँ से ही आ रही थी. कौन कौन सी? The draft, कुछ lost battles and the orders of the commanding officers. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो मैंने खुद से ही ये सोच लिया बिना रोके हुए कि आखिर मैटर क्या होगा. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watched her who was there. तो जितना जल्दी हो सकता था मैं स्कूल की तरफ भाग रहा था. तो वहाँ पर एक blacksmith था जिसका नाम लिखा हुआ ये watched her who was there, जो वहाँ पे था. With the apprentice reading the bulletin, apprentice फेलो हो गए, मतलब जो लर्नर होते हैं उसके जो साथी थे, तो वो सब वहाँ पर थे जो बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे थे. कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे बुलाया. डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. कि बच्चे इतना तेज मत भागो, तुम समय से पहले अपने स्कूल आराम से पहुँच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मुझे ये लगा, मुझे मतलब ऑथर, तो ऑथर को ये लगा कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. And reached M. Hemmel's little garden all out of breath. और मैं जैसे तैसे करके M. Hemmel के छोटे से गार्डन में पहुँच गया जो स्कूल में ही था उनके. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. हमेशा generally जब भी वो स्कूल जाता था तो इतना ज़्यादा noisy environment होता था, शोर शराबा होता था, जो गली से भी गुजरता हुआ एक normal इंसान उसको सुन पाता था. The opening and closing the desks, lessons repeated in unison. Unison मतलब बच्चे साथ में मिलकर, जैसे स्कूल में होता है ना कि एक साथ बच्चे कुछ भी मेमोराइज करते हैं, स्टोरी रीड करते हैं, तो उस तरीके से वॉइस आती थी. डेस्क के ओपन एंड क्लोज करने की आवाज़ आती थी. एंड वेरी लाउड विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. वो इतना लाउडी इन्वायरमेंट होता था कि हम सब लोगों को अपने जो हाथ थे वो अपने कान पर रखने पड़ते थे जिससे कि हम अच्छे से समझ सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और टीचर क्या करता था, उनके पास एक रूल होता था जो टेबल पे खटखट करते थे. रैप मतलब वो टेबल पे उसको रैप करते थे. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. लेकिन अभी क्या है, सब कुछ बहुत शांत है. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Counted मतलब होता है ups, means depend करना. तो इसका मतलब ये है, I had counted on the commotion. मतलब मैं अभी तक किस पे डिपेंड रहता था जब भी स्कूल लेट जाता था, कि मैं किसी भी तरह छुप छुपा के चला जाऊँगा, किसी कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा. मतलब इस noisy environment में. But of course that day every had बट ऑफकोर्स दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. बट उस दिन क्या था कि सब कुछ इतना शांत था, ऐसा लग रहा था जैसे संडे की सुबह, मतलब जैसे सब लोग अपने घर पर सोते रहते हैं, शांति होती है. सिमिलरली थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. मैंने विंडो के थ्रू, मैं बार बार कह रही हूँ मैं का मतलब है ऑथर, ऑथर मतलब कि अल्फोंस डॉटेड. तो उन्होंने विंडो के थ्रू अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने प्लेस पे ऑलरेडी बैठे हुए थे. एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और एम हेमिल क्या कर रहे थे, वो इधर से उधर वॉक कर रहे थे और उनका जो रूलर था वो उनके आर्म्स पे था. I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाजा खोलना था और सबके सामने जाना था. You can imagine how I blushed and how frightened I was. वो ये बोल रहे हैं ऑथर कि आप लोग सोच सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ब्लश, मतलब शर्माया हुआ था और कितना ज़्यादा डरा हुआ होऊंगा. तो
गाइस यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैं आप बोर्ड पे लिख रही हूँ, एंड प्लीज़ आप लोग भी इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा। सो गाइस, मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाई है स्टोरी की समरी, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका उसी से रिलेट करता है। कैसे? सी, व्हाई डिड फ्रांस एक्चुअली जो ऑथर है उसी का नाम है जो हम लोग नेक्स्ट लाइन में ही पढ़ेंगे अभी। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? मतलब मैंने बताया ना कि उसने बताया था कि यूजुअली जब वो स्कूल जाता था तो क्या क्या होता था, सेम उसी तरीके से। सी, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। एज आई टोल्ड यू कि जब भी वो यूजुअली स्कूल जाता था नॉर्मली, तो क्या होता था कि स्कूल में बहुत ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट होता था जो गली से जाने वाला एक नॉर्मल इंसान भी सुन सकता था। बट दैट डे इट वॉज ऑल वेरी स्टिल, सब कुछ उस दिन बहुत शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सेम हम लोगों ने अभी पढ़ा। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कोई जो सीट थी वो ओपन और बंद नहीं हो रही थी। हिज क्लासमेट्स वर सिटिंग क्वाइटली, एम हेमिल ग्रेट रूलर इंस्टीड ऑफ रैपिंग। मैंने अभी आपको बताया गाइस, अगर आपने मुझे थोड़ा सा भी ध्यान से सुना होगा तो यू कैन रिमेंबर द थिंग कि मैंने बताया था कि जो रूलर था टीचर के पास में वो टेबल पर रैप करता था, मतलब खटखटाता था बच्चों को डराने के लिए। तो इंस्टीड ऑफ मतलब रैपिंग करने की बजाय ऑन द टेबल वॉज अंडर हिज आर्म्स, वो उनके आर्म्स के अंडर में था, मतलब कुछ उस दिन अनयूजुअल था। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द आंसर एंड बाद में आप इसको नोट डाउन कर लेना। जब सारे आंसर्स मैं इसके बारे में बता दूंगी आपको, तो आप एक जगह पे अपने खुद के नोट्स बना सकते हो जो आपको हेल्पफुल रहेंगे बाद में अपना रिवीजन करने में। ठीक है, तो हम लोग फर्दर आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। जैसा हम लोगों ने पढ़ लिया था, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? बट नथिंग हैपेंड, एम हेमिल सॉ मी, मतलब एम हेमिल ने फ्रांस यानी कि ऑथर को देखा और कुछ भी नहीं हुआ। एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही काइंडली उन्होंने बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस अपनी सीट पे जल्दी जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क, वो गया अपनी डेस्क अपनी सीट के ऊपर जंप किया और डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. जब तक मैं अपना डर थोड़ा सा दूर करके नॉर्मल होके बैठ ही पाया था कि मेरा तुरंत ध्यान उधर गया कि मैंने देखा हमारे जो टीचर हैं एम हेमिल, उन्होंने अपना बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहना हुआ था। His frilled मतलब डेकोरेटेड हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उनका ब्यूटी उनका जो डेकोरेटेड शर्ट था और उन्होंने सिल्क का कैप पहना हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब एम्ब्रॉयडरी आप लोग जानते होंगे ना, कढ़ाई सिलाई होती है, तो वो पूरा कढ़ा हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो ये ड्रेस कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ उस दिन पहनते थे जब इंस्पेक्शन का डे होता था या कोई स्पेशल प्राइज डे, कोई अच्छा ओकेजन होता था तब। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, तो इसके अलावा क्या था, उसने एक और चीज़ नोटिस करी फ्रांस ने कि पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज मतलब अजीब सा और शांत सा नज़र आ रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन उससे भी ज़्यादा surprising बात एक और थी कि फ्रांस ने ये देखा कि हमारी जो back benches होती थी जो कि हमेशा खाली रहती थी, the village people sitting quietly like ourselves, वहाँ पे हमारे विलेज के लोग बैठे हुए थे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम सब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट,
हाउजर, एक्चुअली हाउजर इज द सरनेम ऑफ अ पर्सन, तो ये एक सरनेम है जो बूढ़े व्यक्ति थे उनका, तो वो बैठे हुए थे जिनका थ्री कॉर्नर्ड हैट था वो पहन करके, द फॉर्मर मेयर ये भी बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर ये भी वहाँ पे अवेलेबल थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी इनके अलावा और भी साथ में उनके लोग बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कोई बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, एंड हाउजर had brought an old primer thumbed at the edges. जो हाउजर थे, जो बूढ़े व्यक्ति थे, वो अपने साथ एक प्राइमर, प्राइमर एक्चुअली छोटे बच्चों की एक बुक होती है, अ बुक ऑफ अ प्राइमरी स्टूडेंट्स, इसमें ABCD वगैरह लिखा हुआ था, तो वो बुक उनके साथ में थी जिसका नाम इस पर लिखा हुआ था, एंड यू शुड मार्क द नेम ऑफ दिस बुक, एंड क्या है वो बुक का नाम, थम्ब्ड एट द एजेस, ठीक है. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उन्होंने उस बुक को अपनी नीज के ऊपर रख के ओपन किया, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो अपने स्पेक्टिकल्स चश्मों के साथ में उसके पेजेस को इधर उधर से देख रहे थे. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair. मैं ये सब सोच ही रहा था कि M. Hamill अपनी चेयर पर बैठ के. And in the same grave and gentle tone which he had used to me. Grave मतलब serious. उन्होंने serious और gentle मतलब politely, बहुत ही मतलब kindly उन्होंने कहा, जो कि हमेशा वो फ्रांस के साथ बोलते ही थे उस टोन में. क्या कहा? My children, this is the last lesson I shall give you. Now you can understand the chapter, the relation of the chapter name and this line. क्या कि M. Hamill ने ये बोला था कि my dear students, this is my last lesson. वो अपना जो last lesson आपको देने जा रहे थे वो. अब आप समझ रहे होगे थोड़ा थोड़ा कि क्या relation है इसका. The order has come from Berlin to teach only German. मतलब कि actually मैंने आपको बताया ना, अगर आपने की पॉइंट्स अपने देखे होंगे तो मैंने उसमें जर्मनी लिखा था. तो जो बर्लिन है वो जर्मनी की कैपिटल है, ठीक है. तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि वहाँ के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है. जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस एंड लॉरेन, यही दो डिस्ट्रिक्ट थे जो पर्शिया के हैंड ओवर हो गए थे, रिमेंबर. तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. क्यों? क्योंकि फ्रांस हार गया था, और पहले कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती होगी? ऑब्वियसली फ्रेंच. ओके, फर्दर देखिए, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. तो जब एम एल ने कह दिया दिस इज माई लास्ट लेसन, आगे उन्होंने कहा द न्यू टीचर कम्स टुमारो, नया टीचर आपका कल से आएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच भाषा में लैंग्वेज होगा, लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव सीरियस होकर के इस चैप्टर को पढ़ें. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. फ्रांस ने ये बोला कि थंडर क्लैप मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग, एंड यू कैन से सरप्राइजिंग. तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था इनके ये वर्ड्स मेरे लिए. ओ द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि ये तो बहुत बुरा है. और अब मुझे समझ में आया कि वो लोग बुलेटिन बोर्ड पे वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा थी वो लोग क्या पढ़ रहे थे. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन. वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं अभी जब बस मैंने सीखा ही था कि कैसे लिखा जाता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इसको और ज़्यादा आगे पढ़ भी नहीं पाऊँगा. I must stop there, मुझे यहीं पर रुकना होगा. Then, oh how sorry I was for not learning my lessons. अब वो sorry feel कर रहा है कि उसने अभी तक ध्यान से जो पढ़ाई नहीं करी. For seeking birds' edges or going sliding on the Saar. Actually, Saar is the name of a river. ये एक river का नाम है. तो France ये बोल रहा है कि मैंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी. जब भी मैं class में होता तो मैं क्या करता था, कभी birds को देखता था, कभी river के इधर उधर घूमता रहता था. My book that had seemed such a nuisance and while ago so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends. Now that I could not give up. अब क्या वो बोल रहा है कि वो बुक्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉइजी, मुझे अपने साथ लाने में, ले जाने में, कैरी ओवर करने में उसको बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी, अब वो मेरी पुरानी दोस्त बन चुकी है उनकी, उसकी ग्रामर की और हिस्ट्री की बुक्स. And M. Hamill, sorry. Now that I could not give up,
एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. क्रैंकी मतलब रूड. तो ये कह रहा है कि अभी तक एम हेमल ने उसके साथ जितना भी उसको मतलब डरता था वो उनसे और रूड थे, रूड बिहेवियर करते थे, उसको डांटते थे. तो ये थिंकिंग कि वो अब जा रहे हैं, कल से फ्रांस उनको नहीं देख पाएगा, अब वो उसको नहीं पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें फ्रांस के मन में थी और इनके पीछे वो पुरानी जितनी बातें था उनकी रूडनेस सारी चीज़ें वो भूल चुका था. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. वो अपने सर के लिए बोल रहा है कि एम हेमल के लिए ये एक ऑनर से कम नहीं है कि वो अपना लास्ट लेसन पढ़ाने के लिए मतलब इतने अच्छे संडे क्लोथ्स जो उन्होंने मतलब ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और जितना भी शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड पहना हुआ था, तो वो सब उनका ऑनर है, मतलब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब वो कह रहा है कि मुझे अब समझ में आया कि वो जो village के लोग थे वो पीछे क्यों बैठे हुए थे. It was because they were sorry too. उनको भी सॉरी फील हो रहा था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो स्कूल में नहीं आएंगे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस ऑफ एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो विलेज के लोग थे ये उनका मतलब पीछे शांत बैठ करके उनका लास्ट लेसन सुनने आना, ये उनके तरीके से सर को एक थैंक यू मैसेज था, उनके जो फ्रांस था उसके लिए एक रिस्पेक्ट की फीलिंग थी कि वो इस तरीके से एम हेमल को थैंक यू कह रहे थे. और क्यों? क्योंकि एम हेमल ने अपने स्कूल में 40 ईयर्स बहुत ही फेथफुली स्पेंड किए हैं, तो ये उनका स्टाइल था विलेज पीपल का उनको थैंक यू कहने का. आई होप आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को. व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माय नेम कॉल्ड. मैंने ये सब मैं सोच ही रहा था फ्रांस, जब फ्रांस ने बोला मैं ये सब सोच ही रहा था कि तुरंत मेरा नाम पुकारा गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब ये मेरी बारी थी सुनाने की. वॉट वुड आई नॉट have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through. अब वो ये कह रहा है कि मुझे वो मतलब फ्रांस चाहता तो ये था कि वो सर ने जब उसको बुलाया वो स्टेज पे आ करके इतना अच्छा वो जो चैप्टर था पार्टिसिपल उसके ऊपर बोले कि वो खुश हो जाएं, बट वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला. एंड विदाउट वन मिस्टेक, मतलब कि वो चाहता था कि कोई भी मिस्टेक ना हो और वो बहुत अच्छे से वेरी क्लियरफुली विदाउट एनी कन्फ्यूजन अपना जो उसका पार्टिसिपल्स पे स्पीच थी वो उसको डिलीवर कर सके. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. और वो अपने फर्स्ट वर्ड में ही कन्फ्यूज हो गया और वहाँ पर खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. और अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा था और उसका जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा बीट कर रहा था और नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसको इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर उठ के देखे. तो अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने जितना पढ़ा हुआ है वहाँ तक के, ठीक है? ओके. सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. You can see the question, what had been put up on the bulletin board? Ki bulletin board par kya likha hua tha? See, for the last 2 years, all the bad news had come from the bulletin board. Ki is bulletin board se pichle 2 saalon mein bahut zyada बुरी खबरें आई हुई थी. मैंने यहाँ पे mention नहीं किया है कि क्या क्या बुरी खबर आई थी. If you want to mention, so you can. Okay? An order had come from Berlin. मैंने बताया था कि डायरेक्ट बता दिया गया है कि वहाँ पे क्या ऑर्डर आया था. Berlin to reach to teach होगा. To teach only German in the school of Elsass and Lorraine.
कि ये जो हमारे दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्जेस और लॉरेन, यहाँ पे हमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो जर्मन के लोग थे उन्होंने ये नोटिस भेजा था बुलेटिन बोर्ड पर। ओके सो गाइस नोट इट प्लीज। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था उससे एक दो क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जो अगर अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आपने अगर मतलब चैप्टर की समरी पढ़ ली और बस हो गया, नहीं, चैप्टर की समरी तो पढ़नी मस्ट है, बट उसके बाद प्रैक्टिस भी तो हमें करनी है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लिखें ज़रूर, और जो आपको एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम हेल्पफुल रहेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लेना है, आई होप आपने इसको नोट किया होगा, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि एक्चुअली इसमें दिया क्या हुआ है। What changes did the order from Berlin cause in school days? मतलब जो order आया था Berlin से, जो हम लोग just इसके पीछे वाले question से पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता भी होगा, तो उसने school पर क्या effect किया? See, the teacher M. Hemmel, देखिए एक बात आप इस पर notice करना, question में ये नहीं पूछा गया है कि order क्या था, वो हम लोग already last question में कर चुके हैं। द क्वेश्चन इज डिमांडिंग कि उससे इफेक्ट क्या हुआ था, उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। सी द टीचर एम हेमिल हैड पुट हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट एज आई टोल्ड यू, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है। द होल स्कूल सीम्ड सोलेम्न एंड स्ट्रेंज, इसका मतलब होता है शांत, स्ट्रेंज आप लोग जानते होंगे, अजीब। ऑन द बैक बेंचेस दैट वॉज ऑलवेज एम्प्टी, बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक किड्स, मतलब जो पीछे की सीटें हमेशा खाली रहती थी, वहां पर विलेज के जो बड़े लोग थे वो बैठे हुए थे उन्हीं सेम बच्चों की तरीके के तरीके से, जैसे वहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। तो प्लीज नोट इट। ओके गाइस सो लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हमने अभी तक चैप्टर जहाँ से पढ़ा है वहाँ तक से, ठीक है। ओके दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल चेंज, मतलब जो भी ऑर्डर बर्लिन से आया था तो फ्रांस की क्या फीलिंग्स थी स्कूल को लेकर के और फॉर एम हेमिल। ही केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। ओके ही फेल सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स केयरफुली, हिज बुक्स विच सीम्ड अ बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब जो उसने पहले जो बुक्स उसको कैरी करना बर्डन लगता था वो अब उसकी पुरानी दोस्त थी। His feelings about M. Hemmel also changed. He forget all about his ruler and how cranky he was. The word is cranky means rude. मतलब वो बहुत ज़्यादा rude थे तो ये सब वो भूल गया था. Okay? So please note it. Okay. So students, I hope मैं आप लोगों ने ये question note कर लिया होगा. हम लोग आगे मूव करते हैं स्टोरी की तरफ। सो वी हैव डेल्ट अवे विथ, हाँ, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माय नेम कॉल्ड, तो जब तक मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैंने सुना मेरा नाम लिया गया, इट वाज माय टर्न टू रिसाइट, ये मेरी बारी थी सुनाने की, रिसाइट मींस सुनाना।
What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake? वो फ्रांस ये चाहता था कि वो पार्टिसिपल के ऊपर इतनी अच्छी स्पीच डिलीवर करे कि उसके जो टीचर हैं एम हेमल वो उनसे इतना ज़्यादा खुश हो जाएं और वो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करे, बहुत ही क्लियरली डिलीवर करे. बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क एंड माय हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. बट वो फर्स्ट वर्ड में ही कंफ्यूज हो गया और अब उसका हार्ट इतना जोर जोर से बीट कर रहा था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपना सर उठा के ऊपर देख पाता. आई हियर्ड एम हेमल से टू मी आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस. मैंने सुना, मैंने मतलब ऑथर मीन्स फ्रांस, तो मैंने सुना एम हेमल ने कहा आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद से ही बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज कि ये सब कैसे हो रहा है. एवरी डे वी हैव सेड टू आर सेल्व्स बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई लर्न इट टुमारो. डेली हम लोग खुद से ही ये कहते हैं कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब इनफ टाइम है, हम लोग इसको कल लर्न कर लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज तुम देख सकते हो कि हम कहाँ पर आ खड़े हुए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जेस. एल्जेस के लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो हर चीज़ को कल पर टालते हैं. आप लोग भी यही करते होगे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू द राइट टू से टू यू. यहाँ पे लिखा है नाउ दोज फेलोज आउट देयर, देयर मतलब जर्मन पीपल. तो यहाँ पे तुम्हें लोगों ने मतलब जो एल्जेस के लोग थे उन लोगों ने कहने का मौका दिया है जर्मन पीपल को. क्या, हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम लोग बस दिखाने के लिए ही फ्रेंच मैन हो. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट यू योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी खुद की ही भाषा यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज ना लिख सकते हो ना बोल सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम इतने भी बुरे नहीं हो फ्रांस, सब तुम्हारी गलती नहीं है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आर सेल्फ विद, हम सब ही जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं खुद के लिए. योर पेरेंट्स वर नॉट एनर्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे किसके, फ्रांस के जो पेरेंट्स थे वो खुद ही रिस्पॉन्स मतलब इतना ज़्यादा वो एनर्जियस नहीं थे, नहीं उनके मतलब वो लोग इतना नहीं चाहते थे कि फ्रांस आगे पढ़ाई करे. दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो ये चाहते थे कि वो किसी फॉर्म में जाकर या किसी मिल में जाकर के काम करें. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उनके घर और पैसा आ सके. एंड आई और मैं मतलब एम हेमल, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी मुझे भी ब्लेम करना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वॉटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे लेसन याद करने के कहने के बजाय क्या तुम्हें नहीं कहा कि जा कर के पेड़ों को पानी दो. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब भी मुझे fishing के लिए जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था. तो ये सारी जितनी भी conditions हैं इनके लिए हम लोग खुद responsible हैं. Then from one thing to another, M. Hemel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. इसके बाद एक के बाद एक करके एम हेमल फ्रेंच के लैंग्वेज के बारे में ही बताते गए कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्लियर लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा क्लियर और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हम लोगों को इसको बचा कर रखना चाहिए. एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, नोट दिस वर्ड enslaved, enslaved means गुलाम होना है ना. बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Prison मतलब आप लोग सब जानते होंगे. तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम किसी के गुलाम बन जाते हैं तो अगर हमें इसमें लिखा है फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर हमें हमारी लैंग्वेज पता है तो उस जेल से बाहर आने का सबसे बड़ा की यही होगा.
देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. फिर उन्होंने अपनी ग्रामर ओपन करी और हमारा हमें जो भी चैप्टर था उसको पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. फ्रांस ये बोल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड था कि मैं कितने अच्छे से समझ रहा हूँ. ऑल ही सेट सीम सो इजी. अब उसे वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ कितना ईजी लग रहा है. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. और वो खुद से ये सोचता है कि मैंने शायद इससे पहले कभी इतना केयरफुल होकर के सुना ही नहीं था चैप्टर को. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और शायद टीचर ने भी इतना ज़्यादा पेशेंस होकर के मतलब इतने ज़्यादा पेशेंस से कभी हमें ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं होगा. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ये जो पूरा सीन था ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये जो टीचर हैं ये जाने से पहले इन्हें जितना भी आता है वो सब कुछ हमें सिखा देना चाहते हैं. And to put it all into our head at one stroke. और जितना भी उनके अंदर नॉलेज है वो सब हमारे दिमाग में देना चाहते हैं. I am stopping here because there is a question जो आपके exam perspective से important हो सकता है, तो मैं आप लोग पहले उसको देख लीजिए, ठीक है? So students, मैंने अभी आप लोगों को जो पढ़ाया था, M. Hamel France को क्या बताते हैं, क्यों उन्होंने उसको नहीं डाटा, उसी से relate करता है ये question. Just look at the board. How were the parents and M. Hamel responsible for the children's neglect of the French language? मतलब स्टूडेंट्स जो स्कूल के थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को जो नेग्लेक्ट करते थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स थे, तो वो क्यों थे, कैसे थे, उसके बारे में पूछा गया है. एम हेमिल डिड नॉट स्कोल्ड हिज स्टूडेंट्स फॉर नेग्लेक्टिंग फ्रेंच लेसन. जैसा कि उन्होंने फ्रांस को नहीं डांटा. देयर पेरेंट्स प्रिफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म. वो चाहते थे कि वो किसी फार्म में काम करें और एट द मिल या फिर किसी मिल पर, सो दैट दे कुड हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उनके घर में वो थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा आ सके. एम हेमिल हैड ऑफन सेंट हिज स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स. एम हेमिल ने बताया कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो प्लांट्स को वाटरिंग के लिए भेज देते थे. एंड व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग ही जस्ट गेव देम हॉलीडे. कि जब वो ये चाहते थे उन्हें फिशिंग करने का मन होता था तो अपने स्टूडेंट्स को वो हॉलीडे दे देते थे. ओके, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ. लेट्स मूव फर्दर. कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, क्या कि एम हेमिल जाने से पहले अपना जितना भी नॉलेज था वो पूरे स्टूडेंट्स को देकर जाना चाहते थे. आगे देखते हैं क्या हुआ. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर पढ़ने के बाद हमें कुछ लिखने का काम करना था. दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन एम हेमिल हमारे लिए कुछ नई कॉपियाँ लेकर आए थे. रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्जेस फ्रांस एल्जेस, जिसमें कुछ ब्यूटीफुली लिखा हुआ था फ्रांस एल्जेस ऐसे करके. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. वो जो लिखा हुआ था ब्यूटीफुल लैंग्वर्ड्स, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे से फ्लैग्स थे, फ्रेंच फ्लैग्स थे, जो क्लासरूम में इधर उधर फ्लोट मतलब तैर रहे थे. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क. और ऐसा लग रहा था वो जो फ्लैग्स है वो हमारे डेस्क के ही ऊपर रॉड पर लगी हुई हैं. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस ओवर द पेपर. और क्लासरूम इतना ज़्यादा क्वाइट था, शांत था, कि उस टाइम पे जितना भी जो वॉइस आ रही थी वो सिर्फ पेन की कॉपी पर लिखने की आ रही थी, स्क्रैच करने की. वंस सम बीटल्स फ्लू. बीटल्स एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है. तो वन सम बिटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. क्लास में कुछ बिटल्स भी आ गए थे इंसेक्ट, बट किसी ने भी उस पर उसको नहीं अटेंशन दिया.
नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, बल्कि वहाँ पे जितने भी सबसे छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वो क्या कर रहे थे, वो फिश हुक्स बना रहे थे, कुछ ट्रेस कर रहे थे अपनी कॉपीज पे, तो उन्होंने उस इंसेक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, और ऐसा लग रहा था वो जो फिश हुक्स बना रहे थे वो कि वो फ्रेंच हैं. ऑन द रूफ द पिजन कूक्ड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, छत पे कुछ कबूतर थे जो गुटरगू कर रहे थे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. फ्रेंच ने खुद से ही ये सोचा कि क्या दे, मतलब फिर वहीं पे पुराने वाला जर्मन पीपल, तो फ्रांस ने खुद सोचा कि क्या ये लोग इन जो कबूतर हैं, पिजन्स हैं, इनको भी क्या जर्मन सिखाएंगे. व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग. जब भी मेरी नज़र अब लिखने से हट करके एम हेमल पे जाती थी, मैं देखता था कि वो मोशनलेस बैठे होते थे और सिर्फ एक चीज़ पर ही अपना ध्यान लगाए हुए थे. देन एट मतलब एक चीज़ से ध्यान लगाते थे और हटा के फिर दूसरी चीज़ से बहुत ही सीरियस होकर सोचने लग जाते थे. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जैसा कि वो जो ये क्लासरूम का जितना भी सीन था वो उसको अपने माइंड में कैप्चर कर लेना चाहते थे. Fancy, for 40 years he had been there in the same place. आप खुद सोच सकते हैं कि वो लास्ट 40 ईयर्स से उस सेम प्लेस पे रहे थे. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका गार्डन भी था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनकी क्लास उनके सामने थी, जस्ट लाइक दैट, सेम उसी तरीके से. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ ये जो डेस्क और बेंचेस थी ये ही यूज करते करते स्मूथ हो गई थी. द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट अखरोट, तो जो वॉलनट ट्रीज थे इन द गार्डन वर टॉलर, वो लंबे हो गए थे. एंड होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंट अबाउट द विंडोज टू द रूफ, उन्होंने एक वाइन लगाई हुई थी जो राउंड राउंड होते होते विंडो से होकर के रूफ तक पहुंच गई थी. टू हियर हिज सिस्टर, सॉरी आई स्किप अ लाइन, How it must have broken his heart to leave it all, poor man. कितना बुरा होगा टीचर के लिए कि ये सब वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उन्हें पता है कि इसको उनको छोड़कर कल से जाना है. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. जब उनकी ये बहन ये सुनेगी कि next day उन्हें country छोड़ करके जाना है तो वो कैसा फील करेगी, बिल्कुल टूट से जाएंगे वो. But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन अभी भी M. Hemel के पास इतना करेज था कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स से पार्टिसिपल का लेसन सुन सकते थे. After the writing, लिखने के बाद we had a lesson in history. हमारा चैप्टर था हिस्ट्री में. And then the babies chanted their ba, be, bi, ba, bu. मतलब उनका एक चैप्टर था जो बेबीज अपना पढ़ रहे थे, छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स थे. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. तो पीछे की साइड पर जो ओल्ड हाउजर था, जो वहाँ पे मैंने पहले भी इसका नाम लिया था, ओल्ड हाउजर, हाउजर इज अ सरनेम ऑफ अ पर्सन, तो वहाँ विलेज का एक इंसान था जो ओल्ड हाउजर है, वो अपना स्पेक्टिकल्स पहने हुए है एंड होल्डिंग हिज प्राइमर. प्राइमर मैंने बताया अब बुक ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स, जिसमें आप मतलब ऐसा लग रहा था जिसमें ए बी सी डी लिखा हुआ था, तो उन बच्चों के साथ वो भी पढ़ रहे थे. प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, मैंने आपको बताया उन्हीं के साथ वो भी अपने लेटर्स पढ़ रहे थे. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. हम लोग, आप लोग देख सकते थे, वो फ्रांस बोल रहा है कि वो खुद भी इतना ज़्यादा sad थे कि बोलते समय उनकी voice tremble कर रही थी, मतलब लड़खड़ा रही थी. Emotionally मतलब जब हम लोग भी कभी sad होते हैं और कुछ बोलना पड़ता है तो हम उतना properly नहीं बोल पाते हैं. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उनको सुनना इतना ज़्यादा funny था उस time पे कि हमको रोना भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी. Ah, how will I remember it? मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? That last lesson, वो हमारा French का last lesson. All at once, the church clock struck 12.
अचानक से चर्च की क्लॉक पे 12 बजते हैं. देन द एंजेलस, एंजेलस इज अ प्रेयर, तब 12 बजने के बाद उनकी प्रेयर होनी थी. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, उसी टाइम पे जब प्रेयर हो चुकी, प्रेयर हो गई, उसके बाद कुछ पर्शियन पीपल थे जो ड्रिल करके वापस आ रहे थे, तो उन वहां से ट्रम्पेट्स की आवाज आ रही थी. साउंडेड अंडर आर विंडो, जो हमारी विंडो से अंदर की तरफ आ रही थी. एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हेमल बहुत ज्यादा डरे हुए खड़े हो गए अपनी चेयर पे. आई हैव नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने मतलब फ्रांस ने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था. माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. एम हेमल ने अपना लेक्चर स्टार्ट ही किया, माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने बस इतना कहा, देन उन्होंने बोला आई आई, अब वो आगे नहीं बोल सके. कोई बात, कोई चीज थी जो जो उनके अंदर बैठी थी, वो नहीं आगे कंटिन्यू कर पा रहे थे. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए. टुक अ पीस ऑफ अ चॉक, उन्होंने चॉक का एक पीस लिया. एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और जितना भी ज्यादा उनके अंदर ताकत थी उन्होंने, He wrote as large as he could, और जितना ज्यादा से ज्यादा वो लंबा लिख सकते थे उन्होंने लिखा. क्या लिखा? Vive la France. Vive la France मतलब long live France, France अमर रहे. Then he stopped and leaned his head against the wall. उसके बाद वो रुक गया और उन्होंने अपना सर दीवार की तरफ झुका लिया. And without a word he made a gesture to us with his hand. और उन्होंने बिना कुछ कहे सिर्फ ऐसे इशारों में हमसे कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, अब आपकी क्लास खत्म होती है और आप लोग जा सकते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लास्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो. सो हमारे पास अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है जो मैं लिखती हूँ, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा. ठीक है? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा उसके उससे रिलेटेड. सी, व्हाट आर एम हेमल व्यूज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि एम हेमल के व्यूज क्या थे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में. आप लोग याद कर सकते हो कि जब एम हेमल वॉज टॉकिंग टू द फ्रांस अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने जो भी उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ था, ये उसी से रिलेट करता है. आप देख सकते हैं, एम हेमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. उन्होंने बोला था कि फ्रेंच सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा लॉजिकल है, सबसे ज्यादा क्लियर लैंग्वेज है. ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट, उन्होंने ये भी कहा कि हमें इसको बचा के रखना चाहिए. तो गार्ड मतलब बचा के रखना चाहिए. नेवर फॉरगेट इट, कभी नहीं भूलना है. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, मैं आपको ऑलरेडी इसका मीनिंग बता चुकी हूँ, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन. मतलब अगर हम स्लेव में होते, हम इंस्लेव हो जाते हैं, किसी के गुलाम हो जाते हैं, तो अगर हम अपनी जो हमारी ओन लैंग्वेज है उसे याद रखेंगे, तो हमारे पास इस चीज को याद रखना इज द ओनली की कि आप उस प्रिजन से बाहर आ सकते हैं. ओके, सो गाइस, हमारा ये वीडियो अब यहाँ पे खत्म होता है. एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज. ओके, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.